चालू किया रे साला। तो गाइस अगर हम बोल बोले 3 के ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करें ना तो इट्स अ एंटरटेनिंग ट्रेलर। ट्रेलर को देख के मजा जरूर आता है। हाँ कुछ क्रिंज सीन थे पर अगर हम उनको साइड में रख देना गाइस तो इट्स अ गुड ट्रेलर, डिसेंट ट्रेलर था। ट्रेलर को देख के एक अच्छी वाइब तो आती है पिक्चर से और आपकी एक्सपेक्टेशंस बनती है पिक्चर से कि आपको थिएटर में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और गाइस जब मैं इस ट्रेलर को देख रहा था ना मुझे इस ट्रेलर से एक अच्छी वाइब आ रही थी और मुझे ये तो लग ही रहा था कि मैं अब थिएटर में जाऊँगा मेरे को एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी तो देखने को मिलेगी। जैसे सारे रिसेंट ट्रेलर के साथ हुआ था वही इस ट्रेलर के साथ भी होता है कि सारी जो भी मूवी की स्टोरी है वो सारी ट्रेलर में बता दी। अब आपके लिए मूवी में बस एक ही सस्पेंस बचा है कि अक्षय कुमार आ जाए मूवी में तो वही सस्पेंस होगा जिसके रूमर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं कि अक्षय कुमार अपना रिटर्न करने वाले हैं भूलभुलैया 3 में। इफ़ इट्स हैपन गाइस तो मज़ा ही आएगा भूलभुलैया 3 में कार्तिक बशीर अक्षय होगा तो लोगों को मूवी से क्या चाहिए गाइस, एंटरटेनमेंट और वो ये मूवी प्रोवाइड कर रही है तो वही हिंट भी होगी। और वैसे ही हॉरर कॉमेडी ने तो इंडिया में अभी फाड़ रखा है क्योंकि स्क्रीन 2 के कलेक्शन देखोगे ना आप तो इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है वो। और अगर ये मूवी भी अच्छी निकलती है लास्ट टाइम भले एक क्लैश हो फिर भी ये मूवी 200 करोड़ तो आराम से कमा लेगी क्योंकि इस मूवी से गाइस इसलिए उम्मीदें आ रही हैं क्योंकि इसके एक्टर्स विजय राज, संजय मिश्रा, राजपाल यादव इस मूवी में एक से एक बढ़िया कॉमेडी एक्टर्स हैं गाइस और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी अच्छी लग रही है। जैसे संजय मिश्रा का एक जोक था नेटफ्लिक्स वाला वो मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया, मज़ा ही आया। और अगर ऐसे बढ़िया डायलॉग्स पूरी मूवी में भी होंगे ना गाइस तो मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि संजय मिश्रा की डायलॉग डिलीवरी, राजपाल यादव की कॉमेडी, विजय राज की एक्टिंग इट्स लाइक बवाल है। और ट्रेलर से भी अच्छी वाइब आ रही थी और उसके अलावा गाइस माधुरी दीक्षित आप उनको कैसे बोल सकते हो, उनकी एज लाइक 60 की एज की हो चुकी है, वो लाइक 57-58 की होंगी। और उनका स्क्रीन प्रेजेंस देखो आप, उनकी स्क्रीन पे देखो बस उनको आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि बस उनको ही देखते रह जाओगे। विद्या बालन उनके आगे फीकी पड़ रही थी तो आप उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 57-58 में कोई इंसान कितना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। और ये उनके लिए एक अच्छी बात भी है कि उनका बॉलीवुड में अच्छी मूवी से कमबैक होगा, उनको और भी काम मिलेगा तो उनको और देखने का मौका मिलेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि ये मूवी हिट हो, माधुरी दीक्षित जी को और भी काम मिले तो हम भी उनको ऑन स्क्रीन और ज़्यादा देखें। बाकी विद्या बालन गाइस उनका काम तो हमेशा हर पिक्चर में बढ़िया ही रहता है और एज अ मंजुलिका उन्होंने भूलभुलैया 1 में भी कमाल किया था और इस ट्रेलर से भी मुझे लग रहा है कि वो कमाल तो करने ही वाली हैं। और अगर अब यहाँ सबसे मेन आते हैं गाइस कार्तिक आर्यन, और मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि वो अक्षय कुमार बनने का बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हैं। एक वो डायलॉग पे बोलते हैं आई एम कमिंग वो भी मेरे को लगा बहुत ज़्यादा अक्षय कुमार बनने का हार्ड ट्राई किया उन्होंने और जो उनसे नहीं हो रहा था। तो मैं चाहूँगा वो पूरी मूवी में ऐसा ना हो, वो कार्तिक आर्यन ही बन के रहें जैसा वो करते हैं अपनी हर तीसरी पिक्चर में एक्टिंग वैसी ही करें तो भी चल जाएगा। और तृप्ति डिमरी से गाइस आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, बस वो मूवी में होंगी और निकल जाएंगी, बस यही होता है उनका हर मूवी में काम अभी लास्ट 3-4 मूवीज से। और भूलभुलैया 3 का ट्रेलर गाइस एंटरटेनिंग था, मेरे को तो मज़ा आया, मूवी देखने का भी मज़ा आएगा गाइस। बाकी आपको इसका ट्रेलर कैसा क्या लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।